आप लोगों के काफी मैंने कमेंट्स देखे कि बुआ जी नहीं आई या बुआ जी आपको क्यों नहीं दिखी अपनी बहन के लिए। क्या चाहे मेरा कितना ही पैसा लग जाए, मैं सबसे पहले तुझे ठीक कराऊंगा। पर फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है तब जाके ठीक होता है। तो लीजिए, सभी को आरती पहले तो दर्शन कराओ, सभी दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। और अब लीजिए आरती, लीजिए आरती, सभी को आरती, सारी इच्छाएं सारी मनोकामना आपकी पूरी हो। भगवान जी आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसे 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 चढ़ते चले जाए, सब सीढ़ियों पर ऊंचाइयों तक छुए, और आपने जो भी सपने देखे सब आपके पूरे हों। सपने तो हमेशा माँ बापों के पूरे होते हैं, क्योंकि माँ बाप ये सपने देखते हैं ना कि मेरा बच्चा ये करे ये करे, तो सबके माँ बापों के सपने पूरे हों। ये लीजिए, तो देखो मैंने क्या पहना है, मैंने पहना है ये वाला, ये जारा से लेकर आई थी प्लाजो सेट, बहुत प्यारा लगता है, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है। और ये मैंने इसके नीचे मर्जेंटा कलर पहन लिया, कैसा लग रहा है? कहीं भी पहन के जा सको, सफर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। कहीं भी जा रहे हो, जैसे हमें 2-4 घंटे का कहीं दूर जाना है तो गाड़ी में बैठो, इतने कंफर्टेबल है कि कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ पहनने का, इतना देखो अच्छा भी लग रहा है। तो देखो ये मैं आज मैंने रात खाना नहीं खाया था, मेरे को आज जल्दी भूख लग गई, क्योंकि कल मैंने दिन में ही खाया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो आज मेरे को सुबह सुबह ही भूख लग गई। और मेरी ये दाल है, मसूर की दाल, कढ़ी, शिमला मिर्च और ये काशी फल जो मैंने साइड कर दिया, मुझे नहीं खाना। और ये चटनी बनी है अभी, और ये बटर, बटर के बिना मैं नहीं खाती खाना, और मट्ठा एक गिलास चाहिए ही चाहिए। तो ये है मेरा सारा खाना, आप भी आओ, आप भी खाओ, बहुत टेस्टी टेस्टी बना है, बहादुर ने बहुत टेस्टी बनाया है। तो देखो मैंने पहना है कॉटन का, बहुत ही प्यारा सा सूट, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, और डोरिया कॉटन का है दुपट्टा, बहुत प्यारा। कमेंट्स करके बताना लग कैसा रहा। ऐसे कपड़े इन दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे गर्मियों में ये वाले कपड़े पहनो ना, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये देखिए मैंने पहन ली अपनी दूसरी तीसरी या चौथी जो भी है, मतलब वो ड्रेस पहन ली, ये कितनी अच्छी है, मतलब यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक लगवाया, ये मैंने अपने बुटीक पर बनवाया ये कुर्ता, और ब्लैक है इसके नीचे पैंट, कितनी अच्छी लग रही है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। स्लीव्स फुल बनवाई हैं, हल्की ठंड भी लगती है तो पहन लो ऐसे, और बाजू भी काली नहीं पड़ेंगी कहीं जाओ ना। और देखो इन्हें देखो हमारे दंगली को, ये इतने सेट आना है कि इतनी धूप में बैठे, गर्मी का तो क्या बज गए, 11-12 बजे दिखे, 11 बज गए, और 11 बजे कहाँ बैठे हैं बालकनी में, आ जाओ इधर आ जाओ, बीमार हो जाएगा, इधर आ जा, विटामिन डी ले रहे हैं, फिर डॉक्टर के पैसे भिजवा करेंगे, फिर ईयर वो सब ले लेंगे, एक यहाँ पे बैठ गया ये, और ऑस्कर को सीरो को सब याद करते हैं, ऑस्कर सीरो को खा रहे थे, ये ऐसे हैं, कभी इधर बैठेंगे कभी उधर बैठेंगे, कभी रिकी के रूम में मिलेंगे। इन्हें पूरे घर में सिर्फ 2 ही रूम है जो मेरे रूम में और रिकी के रूम में मिलते हैं। ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, कुर्ता है ड्रेस क्या, कुर्ता से कुर्ता कैसा लग रहा है? तो आप लोगों के काफी मैंने कमेंट्स देखे जो आपने ब्लॉग्स में करे हुए हैं कि बुआ जी नहीं आई या बुआ जी आपको क्यों नहीं दिखी। तो देखिए पहली बात तो ये है कि बुआ जी को पहले अपने घर पे देखना था सब कुछ। हाँ ये एक अलग बात है कि उनके भाई पूरा दिन इंतजार करते रहे, पूरा दिन मतलब सुनी कलाई देख के, और एक दो बार बीच में रो भी लिए, वो तो बच्चों को पता है, आप लखन यस के उनमें देख सकते हैं जाके, मतलब पूछ भी सकते हैं उनसे कि पापा आपके इतना क्यों उदास हुए थे, क्यों कई बार रोए थे, क्योंकि सुनी कलाई उनके पूरा दिन इंतजार करा था, और जो उनकी मीटिंग थी तो अगले दिन के लिए रख दी थी सारी, क्या रक्षाबंधन है तो आज मैं कोई अपनी मीटिंग नहीं करूंगा, तो आज मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी जाए, और उसके बाद में मैं सारी मतलब मीटिंग अगले दिन के लिए रखने के बाद पूरा दिन इंतजार करते रहे। लेकिन जब सुबह से रात हो गई, रात के बज गए 9-9 बजे तक भी, मतलब अच्छा एक कॉल भी आ जाती ना, एक कॉल कर देती भाई, एक होता था हमारी दीदी बड़ी है वो छोट, वैसे तो हमारी मतलब रिश्ता तो उनका बड़ा है लेकिन वैसे मुझसे छोटी है, अगर वो एक कॉल भी कर देती है, कॉल करके बता देती है ना कि मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो लेकिन उनका कोई कॉल भी नहीं आया, कॉल आ जाता तो हमें पता रहता कि इतने बजे तक आ जाएंगी और इंतजार कर लो। अच्छा फिर इन्हें कोई अचानक में ही बाहर जाना पड़ गया, फिर ये थे नहीं घर पे, और वो भी शाम में मतलब शाम को गए थे, और दीदी हमारी पहुंच रही है यहाँ पे 9 बजे, और मुहूर्त जब तक निकल चुका था, मुहूर्त कोई था नहीं, कि जब पंडित जीओं ने ये मुहूर्त निकाले हैं जो हमारे मतलब शास्त्रों में ये थे कि मतलब ये वाला मुहूर्त उस टाइम से इस टाइम तक है, अच्छा मुहूर्त नहीं है तो अच्छा वहाँ पे तो राखी सबकी मतलब जो उनके बच्चों के बंधी हैं उन और उनके जो उनके उनकी भी राखी बंधी उनकी भी नंदाई होंगी या जो भी है तो सबकी मुहूर्त पर बंधी है, तो बिना मुहूर्त के तो हम बिल्कुल भी नहीं राखी बंधवा सकते। और फिर क्या है कि जो हमारी टीम है तो टीम भी तो अपने घर राखी रक्षाबंधन करेगी, मतलब टीम हमारी रह रही है,
तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है ना कि टीम 24 घंटे ही रहेगी या मतलब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इंतजार भी उसका करा जाता है, एक बार को हमें ये पता होती है ना कि इतने बजे से इतने बजे तक आ जाएंगी, वो इतने बजे तक पहुंच ही लेंगी, उसमें भी चलो 1 घंटा हम लेट भी मान लेते कि इतने नहीं इतने बजे पहुंच जाएंगी। लेकिन जब वो नहीं आ पाई, नहीं उन्हें टाइम मिला, अच्छा फिर क्या है कि वो एक दो राखी और भी बांधती है बुलंदशहर में एक दो भाई और बनाए हुए हैं, तो वहां पे भी वो गई होंगी राखी बांधने, तो वहां पे भी टाइम लगा होगा क्योंकि मुहूर्त के बाद ही बंधी होंगी वहां पे भी राखी, क्योंकि बिना मुहूर्त के कोई नहीं बंध पाता। और यहाँ आई थी तो मुहूर्त जब तक निकल चुका था, तो फिर राखी बंध पाने का कोई मतलब नहीं था। राखी वो लेकर आई थी 9 बजे, 9 बजे हमने राखी उनकी सिर माथे ली, रखी, उन्हें उनसे खूब अच्छी बातें करी, बैठ के हमने बातें करी। उसके बाद में बातें करने के बाद मैं खूब चाय पानी पिलाई, खाना खिलाया, विदा दी, जो भी विदा दी जाती है मैंने विदाई भी दी, सब कुछ उन्हें। फिर गेट तक हम छोड़ के भी आए थे। अच्छा, गेट के थोड़ी ही देर बाहर को इनके कहीं गाड़ी खड़ी थी, उधर जो भी लेकर आया हो, मुझे नहीं पता कौन लेकर आया गाड़ी, तो गेट के ही बाहर गाड़ी खड़ी थी, तो गेट तक हम बैठा के भी आए मैं और सोनी। और लेकिन बिना मुहूर्त के तो आप भी समझ सकते हैं कि बिना मुहूर्त के हम राखी नहीं बनवा सकते, और बहुत परेशान रहे थे, बहुत उदास रहे थे, बहुत रोए भी थे ये कि आज मेरी सोनी कल आई है देख देख के। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर वो एक कॉल कर देती कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पहुंच लूंगी, लेकिन कॉल भी नहीं आई तो फिर मतलब क्या ही बता सकती हूँ। बहुत बहुत दिल दो, चलो छोड़ो। और एक चीज़ के ब्लॉक में क्यों नहीं देखी, तो ब्लॉक लेने वाला यहाँ कोई था नहीं जो इन्हें ब्लॉक में ले सकता था। टीम भी हमारी जा चुकी थी भाई, टीम को भी अपने घर रक्षाबंधन है। जो कंचन थी वो तो छुट्टी पे ही थी, और जो अनिकेत थे तो उन्हें भी अपने घर जाकर राखी बंधवानी थी। भाई सबका त्यौहार है ये, बहन भाइयों का सबका त्यौहार है, तो सबको लगता है कि मैं भी अपने घर त्यौहार बनवाऊंगा। तो वो भी, अनिकेत भी उस दिन टाइम से निकल गए थे, और जो गोलू रहता है तो गोलू भी अपने घर निकल गया था, तो गोलू भी यहाँ से दिन में ही 12 बजे के करीब, गोलू भी यहाँ से 11-12 बजे गोलू भी चला गया, तो गोलू को भी अपनी बहनों से राखी बंधवानी, तो गोलू भी अगले दिन ही आया। रक्षाबंधन का त्योहार सबको शुभ टाइम पे चाहिए, कि इतने बजे राखी होती है, जब पंडित जी ने बताया तो इतने ही बजे राखी बंधवाते हैं, तो सब लोग चले गए थे, इसलिए ब्लॉक लेने वाला कोई था नहीं जो हम ब्लॉक में दिखाते, तो उस ब्लॉक में इसीलिए नहीं दिखी, और इसीलिए वो बस नहीं दिख पाई। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग बोल रहे हो ना कि बुआ जी की तबीयत खराब है, बुआ जी की तबीयत खराब है, तो बुआ जी को ले जाने वाला कौन है? पहली बात तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि बुआ जी की जब तबीयत खराब हुई थी कि बुआ जी बताती रहती थी आए दिन कि मैं तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, आज मेरे सर दर्द है, आज मेरे ये हो गया। तो मैंने ड्राइवर को भेज के गाड़ी भेजी और मैंने इन्हें बुलाया, मैंने कि इधर आ जाओ, तुम वहाँ आसपास ही किसी ना किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाती रहती हो, तो तुम्हारे मैं अब की बार पूरे चेकअप कराती हूँ। तो यहाँ मैंने बुलाई और यथार्थ में मैंने दिखाई, मैं खुद यथार्थ लेके गई और उनके सारे चेकअप वगैरह सब कराए अच्छे से, तब जाके तो उन्हें पता चली कि उन्हें तबीयत क्या खराब है, बीमारी क्या है, जब जाके निकली, वरना आज तक भी उन्हें पता नहीं चलती, क्योंकि कभी वो इधर आई नहीं दिखाने, ना उनके कभी बच्चों ने या बड़ों ने या मतलब घर वालों में, जो मैं क्या बताऊं। लेकिन वो ज्यादातर क्या करा, बुलंदशहर ही दिखाती रही, बुलंदशहर में भी एक बंगाली डॉक्टर है पास में ही, उसे दिखाती है। तो उसके बाद में मैंने कहा अब की बार मैं तुम्हारा चेकअप कराऊंगी, तुम यहाँ आओ, तो मैंने जो बुलाया और चेकअप कराए सारे और दिखाया उन्हें, तब जाके तो पता चली कि ये वाली तबीयत उनकी खराब है, ये बीमारी है। उसके बाद फिर इन्होंने, इनके भाई ने अपने काम छोड़े और लखन ने अपने ब्लॉग वगैरह सब छोड़ दिए कि पहले हम लेके जाएंगे इन्हें, तो हमने फ्लाइट के टिकट करे और इनके छोटे बेले बेटे के भी टिकट करे, और टिकट करने के बाद इन्हें जहाँ पे भी बताया कि वहाँ लेके जाना, वहाँ ले गए, फिर भगवान जी के मतलब दर्शन भी करा के लाए, और वहाँ की दवाई भी काफी दिन चली, थोड़ा रिलीफ भी मिला इन्हें, थोड़ा ठीक भी हो गई। तो सारे काम काज छोड़ कर लग गए, और फिर इन्होंने ये भी कह दिया अपनी बहन के लिए कि चाहे मेरा कितना ही पैसा लग जाए, कुछ भी लग जाए, कितनी भी वो हो जाए, और मैं सबसे पहले तुझे ठीक कराऊंगा, तेरे कहीं भी डॉक्टर बता देंगे कि यहाँ ठीक होगी तो मैं वहीं ठीक कराऊंगा, हर जगह तुझे मैं लेकर जाऊंगा। आज उसी भाई की सू निकल आई थी। आज मेरे इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा, मैंने ना जो अपनी जो दवाई थी वो भी खा ली, एक डिस्प्रिन भी खा ली, माइग्रेन की खा ली, लेकिन सर दर्द बंद नहीं हो रहा, आंखें नहीं खोली पूरी तरीके से, किसी भी चीज का मन नहीं हो रहा। तो मैं जा रही हूँ आज हेड मसाज कराने, देखती हूँ उससे फर्क पड़ेगा तो ठीक है, वरना फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है तब जाके ठीक होता है। चल मसाज करा ली, अब देखती हूँ जाके ठीक लगे, गर्म गर्म सा, मतलब आज मैं ना पूरा सर ऐसे भी हाथ लगा रही हूँ तब भी मेरे को ऐसा गर्म हीट हीट सब महसूस हो रहा है। अब देखूँ अगर 1 घंटे बाद अगर रेस्ट मिलता है तो ठीक है, वरना तो फिर मैं अभी यथार्थ जाऊँगी डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगाते हूँ, फिर उससे ठीक होगा सर दर्द, बाकी ठीक ही नहीं हो रहा। आज क्या क्या तब बालक बच्चे खुले जाओ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। नमस्ते माधवी, कैसे हो? भाई इतना बैठ जा, अंदर खाओ, पियो आराम से, मस्त खाओ, क्या परेशानी है? शीतल को सभी जानते हैं,
ये मेरे दो बच्चे हैं भाई। क्या नाम है, नाम तो बता दो अपने। प्रिंस। प्रिंस सोया सूर्य प्रताप। तो बताओ जोर से, जोर से बता, जल्दी बता क्या नाम है। सूर्य प्रताप है और ये है प्रिंस प्रताप। ठीक है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं? ये खाओ बर्फी पहले, तो खा ही रहे जी। जल्दी लो दोनों राखी बांध के। अच्छा, सेट वेट पहन के बढ़िया। राखी पर से राखी में बांध के क्या लिया ये? एक साड़ी दही और 1100 रुपया। साड़ी तो मुझे दे जाएगी। ले लो तुम बने, मैंने पहन ली है। और एक बात है, ये साड़ी मुझे दे के जाएगी। ले लियो, कोई बात नहीं। कब पहुंच गई राखी बांधने? कल लिया, एक दिन पहले। 3 दिन आ गए, 3 दिन से आए हम। परिवार में बिल्कुल मैच खाइए, ये परिवार ऐसा ही है। जब दावत खाने जाए तो 2 दिन पहले निकल ले, एक दिन बाद तक आराम से खा पी गई। 2-3 दिन जब तक बचाओ ना तो का फायदा। बचाओ मतलब खानो वानो 2-3 दिन को बचाओ ना तो का फायदा। अच्छा, अपने घर का बचाया? 3 दिन को बचे तो जो उनके नाक में दम करा होगा जमकर। आज भी रोक रही, आन ना दे रही, ऐसे रोक ही कर अपने घर को। चलो रोक ना कर रही है, आदमी गेट पे तुम कहला गया आज मन जा कर चली गई। जान ना दे, मन मन में भी ये सोच रही हूं चलो ठीक है निकल जाओ। याद गई तो सही, याद गई तो सही, वो नई नई चीज बनवा खाली होएगी रोज। और ज्यादा ज्यादा समोसा तुम्हारी मंगाए, 10 दो मैंने खाए और इनने खाए। 10 समोसे की बात कर रही है? 10 समोसे कहाँ को खींच रही, कहाँ को रख रही ना खाने के लिए? चाहता। चल बहुत बढ़िया करा भाई तुमने। तो ये शीतल, सब जानते हैं शीतल को। शीतल तेरी ये याद कर रहे हैं कि वीडियो ना बना रही है आजकल? बनवा लो। कब आएगी? ज्यादा दिन बुलाओ ज्यादा दिन, कई दिन भी आ गया। ठीक है जी बुलाए, मैं ना आऊँ ऐसा हो ऐसा आज ही किसी दिन फिर 1-2 वीडियो बना लूंगी। ठीक है, तो अभी शीतल जल्दी दिखाई देगी, अभी 1-2 दिन में आएगी, जन्माष्टमी के बाद आ जा। ठीक है ना, तो जन्माष्टमी के बाद शीतल आएगी और शीतल की और हमारी बनेंगी वीडियो रील खूब सारी, और हम मैं इसे खूब घुमा के लाऊंगी जन्माष्टमी के बाद। अभी तो खूब मिठाई बना के खाएगी तुम्हारे लिए। जी जान आची रहे, अरे ना जान मत देवा फिर जान। बताओ यहाँ तो लगाई मैंने, यहाँ तो लगाए जी जी तो मिलके। ये आई तो है अपने राखी बांधने, लेकिन मिलती हुई जा रही है क्योंकि इसे इतना मुझसे प्यार मानती है। हाँ, यहाँ तो लगाए जी मिलके जाऊँ। जब ये आई है यहाँ तक तो इसने सोचा कि जी जी से मिलके चलूँ। मिलके ही चलूँ बिल्कुल। हेलो हेलो हाय हेलो हाय। जन्माष्टमी के बाद आ जा, दो रात को रखना कोई है, 2 दिन को आ जाइए तो ये खूब रील बना देंगे। ठीक है, अभी कह रही है एक रील बना दो। सुनो ये पता क्या कह रही है, ये कह रही है जी एक रील बना लो भूत वाली ऐसे ऐसे करके। मैंने की मैं भी मसाज करा के आई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरे तो बाल चिपके पड़े हैं ऑयल से, और फिर आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं, आंख भी चढ़ी चढ़ी सी हो रही है। तो अब तो आएगी ना तब बनाऊंगी। हाँ, जब करेंगे मस्ती खूब, मस्ती करेंगे खूब, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी तुझे। और भाई ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।